दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम इस समय ग्रेटर नोएडा में हैं। ग्रेटर नोएडा का ये एक छोटा सा गांव है खेरलीभाव, और इस खेरलीभाव में अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल है, और इस स्कूल में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। पिछले करीब 7 साल से ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आप इस समय देख पा रहे हैं हम स्कूल की छत पर इस समय है, ये करीब 30 प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, 7 साल पहले लगाई गई थी यहाँ पर। और ये किस तरह से जो स्कूल का लोड है उसे उठा रही हैं या नहीं उठा रही है, इनकी सच्चाई क्या है, आखिर सोलर पैनल हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं सोलर पैनल्स के, और इन वीडियोस को बनाने का सीधा सा तात्पर्य ये था कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें कि सोलर पैनल्स लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है उसके आज हम जानकारी के लिए इस स्कूल में आए हैं। ये स्कूल के संचालक हैं मिस्टर राकेश कुमार जी, और इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन सोलर पैनल्स को लगवाने के बाद में इन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है या नुकसान में गए हैं, क्योंकि इनका खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, और इतना खर्च करने के बाद भी अगर इंसान को फ़ायदा नहीं हो तो सोलर पैनल्स लगवाने बिल्कुल बेकार समझे जाएंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल हमारे व्यूवर्स को सच्चाई आप बताएं कि क्या इस सोलर पैनल्स को लगवाने से फ़ायदा हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बारे में हम चर्चा आपसे जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं सर, ये प्लेट्स कितनी आपने लगवाई हैं, कितनी साल पहले लगवाई हैं? ये हमने प्लेट 35 प्लेट लगवाई थी 7 साल पहले। अच्छा, 35 प्लेट? 35 प्लेट जी। जिस समय उन्होंने वो इंस्टॉलेशन करी थी तो उन्होंने इसकी 25 साल की गारंटी हमको दी थी। और रही बात इसकी कि इसका हमारे स्कूल से संबंधित, जिस दिन से हमने इसको स्कूल में लगाया है उस दिन से हमें कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो नहीं लिया आपने? वो नहीं लिया है। ग्रिड की आवश्यकता ना? ग्रिड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा दिन में ही सोलर आ जाता है और दिन में ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो पूरा दिन, पूरे साल, 7 साल से हमें किसी भी तरह की लाइट की एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती। आती है कभी समस्या आती है, जब समस्या आती है जैसे हमारे बादल रहे, रात का मौसम होता है, हमारा 5 दिन 2 दिन 3 दिन सूरज ना निकलता है, तो उस समय हमें जनरेटर ऑन करना पड़ता है, अन्यथा हमें इलेक्ट्रिसिटी के बाहर से कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमारा जनरेटर ऑन होता है। अच्छा ये बताएं सर कि जिस तरह से आपने प्लेट्स लगवाई हैं, तो ये तो आपकी हैं पॉली वाली प्लेट्स, और ये पॉली वाली प्लेट्स आपने जब 7 साल पहले लगवाई थी तो उस समय इनका ज़माना था, लोग इन्हें खरीद रहे थे, लेकिन आज तो इनसे भी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, बाईफेसियल मोनोपर्क बाईफेसियल भी आ गए, हाफ कट वाले आ गए, तो जैसे कि वो नई टेक्नोलॉजी भारत में आ गई है, नई टेक्नोलॉजी वाले लोग लगवा रहे हैं, तो क्या इनसे आपको कोई मतलब कोई ऐसा लग रहा कि भाई हमें अगर वो लगवा लेते जो अब चल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, या आपकी पूरी पूर्ति कर रहे हैं ये? अभी मुझे इससे कुछ भी के जैसा बताया जाता था पहले कि कुछ दिन बाद ये सोलर काम करना कम कर देगा या ऐसा कर देगा या कुछ, अभी तक इनके कोई भी वोल्ट, जैसे हमारे 12 वोल्ट निकालती है सप्लाई एक प्लेट 250 वाट के 12 वोल्ट की है ये, तो आज भी 12 वोल्ट ही ये सप्लाई दे रही है एक प्लेट, तो इसमें अभी वोल्टेज में कोई करंट कम नहीं हुआ है, हमारा ये काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। कोई दिक्कत होगी भविष्य में तो हम नई टेक्नोलॉजी पर जाएंगे, लेकिन तब तक ये सपोर्ट कर रही है हम ना। अभी तो आपके 25 साल तक चल रहे हैं सर, आप एक बार लगवा लिए। अच्छा सर ये बताएं जिस तरह से हमें ये गंदे दिख रहे हैं, इन पर धूल जमी हुई है, तो अभी पूरा करंट निकाल रहे हैं या? अभी भी ये पूरा करंट निकाल रहे हैं, ये धूल इसकी मोटी चादर होने के बाद में धूल की, तब ये करंट का इफेक्ट पड़ता है इस पे, तो उस समय हमें इसकी सफाई करा दी जाती है। इसकी सफाई के लिए हमारा थोड़ा पानी डाल करके और सॉफ्ट कपड़े से इसको क्लीन कर दिया जाता है। अच्छा लगभग 1 महीने में 2 महीने में कितने में करते होंगे आप सफाई? ये तो जैसा बरसात का मौसम है तो अब तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुद ही बारिश से साफ होती रहती है। ये हमें अधिकतर जो आवश्यकता पड़ती है वो जिस समय हमारा ये दिसंबर का महीना आता है, उस समय जो धूल मिट्टी का ज्यादा वो हो जाता है उस समय इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, जब धूल मिट्टी ज्यादा जम जाती है तो सर्दियों में ज्यादा समस्या आती। अच्छा आपने जैसे 7 साल पहले लगवाए थे तो उस समय कॉस्ट क्या होगी ना लगवाने की? उस समय ये 45 पर वॉट के हिसाब से जो हमें परचेज कर 45 रुपए पर वॉट के हिसाब से। जी जी। अच्छा लोड क्या क्या चल रहा है इन पैनल से आपका? अब हमारा जैसे ये 35 पैनल है तो हमारा 7.5 KVA का लोड है इन पर, जो अच्छा जो हमारे 60 पंखे और एक समर, मतलब 60 पंखे चल रहे हैं स्कूल में? जी 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 60 पंखे हैं और एक समरसेबल है। तो समरसेबल तो 2-4 मिनट के लिए चलाते होंगे, लंबे टाइम के लिए भी चला लेते हो? लंबे समय तक चलता है, करीब 2 घंटे 4 घंटे आराम से चलता है।
मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो स्कूल में इस समय जितना भी लोड है वो पूरा लोड इन्हीं के द्वारा मतलब स्कूल में उठाया जा रहा है। ग्रिड की कोई आवश्यकता इनके इन्हें लगवाने के बाद में नहीं पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बारिश हो तो अभी ये लाइट बनाते हैं, धूप ना निकले तो अभी इनके पास बैकअप है। तो सर बैटरी कितनी लगाई हुई है आपने? अभी हमने बैटरी इन पर पहले 10 थी, लेकिन जैसे कि अब मैंने आपको समस्या बताई थी कि जैसे बारिश के मौसम में क्या होता, कई दिन तक, दो दिन तक, तीन दिन तक सूरज ना निकले, तो उसकी वजह से हमने इसको बैटरियों पे यानी 10 बैटरी और एक्स्ट्रा लगा करके 20 बैटरियों को जोड़ा। मतलब अगले दिन का भी जुगाड़ कर लिया आपने? जी जी जी। अच्छा सर ये बताएं कि बैटरी जो आपने वो लिथियम बैटरी लगवाई हुई है, लेड एसिड बैटरी? लेड एसिड बैटरी है। अच्छा बैटरी जो 10 बैटरी और इसके साथ वो मतलब इसका कंट्रोलर वगैरह भी होगा, ये प्लेट्स भी होंगे, सारा कुछ मिलाकर 7.5 लाख रुपए का खर्च था? जी जी जी। या उसके एक्स्ट्रा भी कुछ था? नहीं उतना ही खर्चा पड़ा था उस समय पर। अच्छा इनके रखरखाव में कोई समस्या किसी तरह से? रखरखाव में इनका कोई रखरखाव नहीं है, केवल क्लीनिंग की बात होती है और नीचे से जो हमारा सीपीयू उसकी भी क्लीनिंग होती है, सर्विस होती है बस, और उसका कोई रखरखाव नहीं है। बैटरियों पर समय समय पर चेक करते रहे, पानी उसमें है नहीं, सूख तो नहीं गई है बैटरी, केवल इतना रखरखाव है, इनका कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्चा नहीं होता। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि भाई जैसे छत पर तो होते खैर ये जाहिर सी बात है, लेकिन कभी बारिश के मौसम में बिजली कड़की हो, उनसे ज़्यादा एक बार मतलब हाई जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट हुई हो, नीचे ब्लास्ट वगैरह कुछ हुआ चुका हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है या प्रोटेक्शन में है सब कुछ? उसके लिए हमने इसमें पहले से अर्थिंग कराई हुई है सभी की, हमारा उसके लिए लगा हुआ है। अच्छा ये परिचालक लगा हुआ है? परिचालक लगा हुआ, ऊपर से यदि बिजली कड़कती है तो वो कंट्रोल करती है, यदि नीचे से इस पे आती है तो नीचे सपोर्ट के लिए लगा हुआ है कि हाई वोल्टेज करंट नीचे हमारा इन्वर्टर में ना जाए। मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है सारा कुछ? प्रोटेक्शन में है और अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। आंधी तूफान भी आए हैं लेकिन इसके जो इंस्टॉलेशन की है वो बहुत ही मजबूत तरीके से की है, जैसे कि ये है प्लेट कई बार निकल जाती है, लेकिन इसको इस तरह से इंस्टॉलेशन करके गए थे कि प्लेट अपने हॉल में से निकल के भी जाएगी तो ये अपने आप सपोर्ट करके रखेगा ताकि ये उखड़ के निकल के ना भागे प्लेट इसमें से। कितनी जबरदस्त आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, और जिस समय ये फाउंडेशन उन्होंने बनाया, इधर आकर के हम देख बताना चाहूँगा आपको, तो ये नीचे जो फाउंडेशन बहुत मजबूत तरीका से बनाया गया है, अच्छी मजबूत क्वालिटी की इसमें एंगल लगाई गई है ताकि जो ये फाउंडेशन हिले ना, RCC से कंप्लीट किया हुआ है, ऐसा नहीं ये फास्टनर से या किसी भी तरह उखड़ के जा पाए कि हमारा कोई नुकसान हो। बिल्कुल ऐसे ही तो आज तक अभी तक कोई भी हमारे सोलर पैनल में दिक्कत नहीं आई है, इस तरह का कोई भी ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अच्छा आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने घर के खर्चे के लिए भी 4-5 प्लेट्स अगर कोई लगवा ले तो बेनिफिट में ही रहेगा शायद? मैं अपने यहाँ पे स्कूल पे यूज कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में हमारी डे में ही इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, नाइट में नहीं होती, लेकिन नाइट में फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जब हम पूरे दिन चलाने के बाद भी दूसरे दिन हमें सपोर्ट करता है तो हो सकता है नाइट में भी हमें सपोर्ट कर पाए। तो ये है कि यदि सोलर हम लगवा लेते हैं तो ये हमारे बिजली के कट्स जो होते हैं या हम बार बार परेशान के घर में तब भी एक इन्वर्टर बैटरी तो तब भी रखना पड़ता है हमको, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से जो कुछ बिजली के बिल से बचाव रख सकते हैं। जी जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ये दो कंपनियों के लगे हैं, हालांकि मैं कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी का प्रमोशन होगा। दो अलग अलग कंपनी के सोलर पैनल्स हैं लेकिन दोनों ही कंपनी के सोलर पैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसी तरह से और भी 2-4 लोगों के पास पहुंचेंगे, उनका रिव्यू लेंगे और ये आपके पास तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल्स लगवाने के फायदे हैं या नुकसान है, या फिर सोलर पैनल्स लगवाने के बाद में किस किस तरह की परेशानी आती है। हालांकि इनके द्वारा जो बताया गया है मिस्टर राकेश जी के द्वारा कि इन्हें अभी तक पिछले 7 साल में कोई भी परेशानी नहीं आई है, स्कूल में 60 पंखे चल रहे हैं, समर सेबल चल रहा और जो छोटे मोटे खर्चा वो भी शायद कुछ ना कुछ होता रहता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सारा कुछ इन सोलर पैनल्स ने संभाला हुआ है। और कभी अगर दवे ज़्यादा बारिश का मौसम हो या फिर सर्दियों में कोहरे का ज़्यादा मौसम हो, कई दिन तक लगातार कोहरा हो, तो इनके जो सपोर्ट है, जो बैकअप है, वो बैकअप तो ख़त्म हो जाता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये साल में 2-4 दिन ही ऐसा कुछ होता है, तो उस कंडीशन में जनरेटर्स चलाने की आवश्यकता होती है। लेकिन 2-4 दिन के अलावा पूरी साल में, मतलब आप ये समझ लें कि साल के 365 दिन में साल के 340 दिन तो आपको आसानी से अच्छा बैकअप मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।